नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। इसरो ने भारत को कई बार गौरवान्वित किया है, फिर चाहे वह चंद्रयान हो या फिर मंगलयान। भारत का अगला मिशन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है गगनयान। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल रॉकेट में पेलोड है। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण के साथ रहने योग्य जगह बनाता है। इसमें एक दबाव युक्त धात्विक आंतरिक संरचना होती है जो थर्मल सुरक्षा प्रणाली के साथ लैस होती है। यह थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ एक बिना दबाव वाली बाहरी संरचना भी शामिल होती है। मिशन की सफलता के साथ अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा। गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई। इस टेस्ट फ्लाइट के बाद 3 और टेस्ट फ्लाइट्स भेजी जाएंगी जो कि D2, D3, D4 होंगी। यह टेस्ट फ्लाइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी सफलता पर ही आगे का पूरा प्लान बनाया जाएगा। गगनयान मिशन की अगली फ्लाइट D2 है। यह पहली अनमैन्ड मिशन टेस्ट फ्लाइट होगी। अनमैन्ड मिशन में ह्यूमनाइड रोबोट यानी कि जो इंसान की तरह दिखता है, शक्ल है, पर वह रोबोट है, यह व्योममित्र है, इसको भेजा जाएगा। व्योममित्र पे हमारा एक शॉट भी पड़ा, आप उसे भी देख सकते हैं। गगनयान मिशन का बजट करीब 90.23 अरब रुपए है, जो किसी भी दूसरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले बहुत ही कम है। यह सारी बातें तो टेक्निकल हो गई, अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि गगनयान मिशन से आखिरकार भारत को हासिल क्या होगा। मानव सभ्यता का विकास निरंतर नए वैज्ञानिक शोध और महत्वाकांक्षाओं के कारण होता आया है। भारत जल्द चाहेगा कि हम अंतर ब्रह्मांडीय यात्रा कर सके, दूसरे ग्रहों में जाकर जीवन की तलाश कर सके। उसके लिए गगनयान जैसे मिशन मील का पत्थर साबित होंगे। यह तो लॉन्ग टर्म प्लान हुआ। आज वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आज स्पेस टूरिज्म कई करोड़ों का व्यापार क्षेत्र है। ढेर सारी स्पेस एजेंसी और प्राइवेट कंपनियां लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा कराने हेतु मोटी रकम लेती है। थोड़ा सा समझते हैं अंतरिक्ष है क्या। यूं तो अंतरिक्ष समुद्र तल से 62 मील यानी करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू हो जाता है। इसका निर्धारण कारमान लाइन से किया जाता है। कारमान लाइन या कारमैन लाइन, इसका जो नाम है वो हंगरी के एरोस्पेस के जानकार थियोडोर वॉन कारमैन के लिए दिए गए सिद्धांत पर पड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने एक अभियंता और भौतिक शास्त्री के रूप में कार्य किया था और शुरुआती हेलीकॉप्टर्स के डिजाइन भी किए थे। यूनाइटेड नेशन ने भी इन्हीं के द्वारा बताई गई 100 किलोमीटर की रेखा को अंतरिक्ष की मानक रेखा मान लिया है। इस ऊंचाई पर आम तौर पर जो उड़ने वाले वायुयान होते हैं वे कार्य नहीं कर पाते, फिजिक्स के आम नियमों का पालन ये नहीं करते, तो एक औसतम वायुयान अधिक से अधिक 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही उड़ पाता है। लेकिन जो कारमान लाइन है वो 100 किलोमीटर होती है, यानी अंतरिक्ष 100 किलोमीटर के बाद शुरू होता है। भारत का गगनयान इस कारमान लाइन से कितना ऊपर जाएगा? देखिए, भारत के गगनयान को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना है। लो अर्थ ऑर्बिट 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की होती है। इस ऑर्बिट में स्थापित सैटेलाइट या यान जो होते हैं वो 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी प्रतिष्ठित है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम जो प्रयास करने जा रहे हैं वह कितना बड़ा है। चलिए और भी दूसरे उदाहरण देता हूँ ताकि और अच्छे से आप समझ सकें कि क्या एग्जैक्टली हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं इसमें। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट की मानी जाए तो वह समय बहुत दूर नहीं है जब आम आदमी अंतरिक्ष में जल्दी ही यात्रा कर सकेगा। हालांकि अभी जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप होती जाएंगी यह प्राइसेस भी कम होते जाएंगे। आज भी कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो बड़े बड़े बलून्स में डिनर वगैरह होस्ट करती हैं। कुछ कंपनियां स्पेशल सेलिब्रेशंस के लिए ऑफर करती हैं। यह सब मानव के अंतरिक्ष के टूरिज्म की तरफ बढ़ते कदमों को दिखाता है। अगर आप स्पेस टूरिज्म के मार्केट को देखें तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास पे है। करीब 39% शेयर के साथ यह नंबर 1 पे है। कुछ बड़ी कंपनियां जो वैश्विक स्पेस टूरिज्म के बाजार में है वह है ब्लू ओरिजिन, ये जेफ बेजोस की कंपनी है, अमेज़न के जो संस्थापक हैं, वर्जिन गैलेक्टिका, स्पेस एक्स इलॉन मस्क की फेमस कंपनी, एयरबस ग्रुप सी, बोइंग, एयरबस और बोइंग दोनों बड़े बड़े जहाज बनाती हैं, जीरो जी, एयरबस ग्रुप एसी, एक्सियन स्पेस। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 2023 में जो मार्केट साइज है वो $815 मिलियन का है। फोरकास्ट यह है कि 2030 तक यह करीब $8,659 मिलियन हो जाएंगे। आप गौर कीजिए, सिर्फ 7 वर्षों में 10 गुना से ज़्यादा इसका रेवेन्यू हो जाएगा। अगर ग्रोथ रेट देखते हैं आप तो 40.2 की सालाना ग्रोथ रेट है इसकी। पिछले साल यानी 2022 से अगर आप इसे कंपेयर करें तो यह $695.1 मिलियन ही थी।
अमेरिकन मार्केट को अगर हटा दिया जाए तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है वह सबसे बड़ा उभरता मार्केट। आज इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे सफल और सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां जैसे चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया की इसरो हो गई, जापान की जाक्सा है, सीएसए स्पेस है। चाइनीज स्पेस टूरिज्म को अगले लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, वो एक होटल खोलना चाह रहा है, साथ ही साथ खुद का वो एक स्पेस स्टेशन भी खोलना चाह रहे हैं। भारत इस दौर में पीछे नहीं है। भारत ने भी यह जताया है कि वह जल्द ही अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लेगा। गगनयान की सफलता यह सुनिश्चित करेगी कि भारत यह सब करने में भी सक्षम हो जाए और सफल रहे। सालाना 40% की कंपाउंड ग्रोथ रेट जो मार्केट दिखा है उसमें भारत अगर पीछे रह जाता है तो यह हमारे हाथ से बड़ी अपॉर्चुनिटी स्लिप करने जैसा होगा। इसी कारण से गगनयान मिशन से यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि भारत के पास इन सब का एक लंबा बड़ा चंक आए। इसरो वैश्विक स्तर पर अपने फ्रूगल अप्रोच के लिए जाना जाता है, मतलब किफ़ायती अप्रोच पे। जो दूसरी कंपनियां हैं जो स्पेस टूरिज्म कराती हैं वह बहुत ज़्यादा पैसा लेती हैं। इसरो यह पैसे को बहुत कम करके ढेर सारा अमाउंट अपनी तरफ ला सकता है। एक कंपैरिजन के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं कि दूसरी कंपनियां कितना पैसा लेती हैं। स्पेस पर्सपेक्टिव करके कंपनी है जो आपको हॉट एयर बलून राइड देती है, स्ट्रेटोस्फीयर तक यह ले जाता है, मतलब ये करीब 30 किलोमीटर तक ले जाती है, 6 घंटों की राइड रहती है। इसके यह करीब $1,25,000 चार्ज करती है, मतलब यह करीब 1,40,00,000 के नज़दीक हुआ। 40 लाख ना 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 83 के हिसाब से ये 1,04,00,000 के नज़दीक हुआ। और यह याद रखिए कि अभी भी आप स्पेस यात्री नहीं बने, एस्ट्रोनॉट नहीं बने, क्योंकि जो कार्मान लाइन है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। दूसरी कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिका, ये आपको सब ऑर्बिटल ले जाती है, इनका नाम है सब ऑर्बिटल जॉय राइड। यह करीब 50 किलोमीटर की हाइट पे ले जाती है, 90 मिनट की राइड रहती है और इसका यह चार्ज करती है $4,50,000, मतलब करीब करीब 4.25 करोड़ रुपए लगेंगे आपको 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने के लिए। जो वर्जिन गैलेक्टिका है वो रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है। आपने वर्जिन नाम के जो एरोप्लेन्स देखे होंगे यह भी इसी फ्रेंचाइजी का पार्ट है। ब्लू ओरिजिन जेब बेजोस की कंपनी करीब आपसे $28 मिलियन लेती है। $28 मिलियन को मैं 83 से अगर इंटू करता हूं, तो यह करीब 233 करोड़ के नज़दीक पहुंचता है। यह आपको 100 किलोमीटर की हाइट पे ज़रूर ले जाएगा, लेकिन केवल 12 मिनट के लिए आप वहाँ पे रहेंगे। तो आप ही सोचिए कि आप 233 करोड़ रुपए देंगे वहाँ पे जाने के लिए केवल 12 मिनटों के लिए। अब अगर स्पेस की बात हो और सबसे बड़े नाम को इन्हें लिया जाए तो क्या ही सेंस। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स आपसे करीब $55 मिलियन लेती है 574 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाने के लिए। यह ऊंचाई वैसे भारत के चंद्रयान से ऊपर है, गौर कीजिएगा। और इस पे 3 दिन तक आप वहाँ पे रुकते हैं। स्पेस एक्स का जो एक ड्रैगन कैप्सूल होता है उसमें यह अर्थ के ऑर्बिट लगाते रहते हैं, आपके साथ 3 और क्रू मेंबर्स रहेंगे। वैसे $55 मिलियन हुआ कितना, 450 करोड़ रुपये। 450 करोड़ रुपए में आप अंतरिक्ष ज़रूर घूम आएंगे। अगली कंपनी जो है वो एक स्पेस एजेंसी है, वह है रॉस्कोमोस। आप सभी जानते होंगे कि स्पेस में सबसे पहले अगर कोई देश पहुंचा था तो वो उस समय का सोवियत संघ था, मतलब आज का रशिया आप ले लीजिए। और इनका सबसे शानदार प्लान है अभी तक का, ये करीब 50 से 60 मिलियन डॉलर लेते हैं, मतलब करीब 400 से 500 करोड़ रुपए। ये आपको 408 किलोमीटर की हाइट पे ले जाएंगे, उतनी ही जितना हमारा गगनयान जाने वाला है। यह आपको 12 दिन तक वहां पे रखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी हाइट पर बना है, 400 की हाइट पर ही करीब करीब है। तो मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप अंतरिक्ष जाना चाहते हैं तो रॉस्कोमोस के साथ आप अपना थोड़ा पैक्ट वगैरह कीजिए और आराम से जाइए 400 से 500 करोड़ रुपए में। और कोई फैमिली वाले को ले जाना है तो ठीक है, वो 1,000 करोड़ का बजट हो जाएगा। और अब आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसरो कितना पैसा लेगा। देखिए 2030 का करीब प्लान किया गया है कि एक स्पेस का हम ऑर्बिटल टाइप से कुछ बना रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट टाइप से, जो आपको अंतरिक्ष में ले जाएगा। और इसरो का जो शुरुआती मतलब रिपोर्ट्स हैं जो लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपये इसरो आपसे लेगा आपको एक एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए, मतलब ऊपर पहुँचाने के लिए, टेक्निकली साउंड। तो आप ही सोच लीजिए, आप यह अभी प्लान करना चाहते हैं कि 2030 तक रुकना चाहेंगे, और जो 6-7 करोड़ में इसरो लेके जाएगा, अगर इसरो 10 करोड़ में भी ले जाता है तो कहाँ 500 करोड़ कहाँ 400 करोड़ तो ऑब्वियसली बहुत ही शानदार रहेगा। तो एक बड़ा मार्केट इसरो ऑक्यूपाई कर सकेगा, इस कारण से गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसरो अभी पुरानी भी रिपोर्ट्स आई थी कि सैटेलाइट लॉन्च करके बहुत प्रॉफिटेबल हो चुका है, तो अगर इसी तरीके से इसरो काम करता रहता है तो जल्द ही गगनयान की सफलता यह सुनिश्चित करेगी कि एक बड़ा जो स्पेस का प्राइवेट मार्केट है वह भारत के पास भी आ सके। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, चेनाइस कहलाते हैं, जो स्पेस जाना चाहते हैं, बहुत शौकिया होते हैं इन चीज़ों के लिए, वो कर सके। और ईश्वर करे आप सभी भी इतने जल्दी से जल्दी रईस बने कि आप भी ट्रैवल कर सके वहाँ के लिए। तो खैर, यह था सारा कुछ गगनयान से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कॉमेंट्स में लिख के बताइएगा, आप क्या सोचते हैं यह भी बताइएगा, हमें सब्सक्राइब करें, काफ़ी मदद मिलती है हमें। तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।